रूपा जी, दर्शकों के सवाल सबसे ज्यादा अब सोयाबीन और सोयाबीन तेल को लेकर आ रहे हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन क्या अब 8000 के भी पार जा सकती है, क्या सोयाबीन 8500 के भी स्तर या उससे ज्यादा भी जा सकती है, और रिफाइंड सोया तेल जो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 1585 पर जा चुका है, तो क्या उसमें अब आगे और भी बढ़त देखने को मिल सकती है जिस हिसाब से देखने की क्राइसिस का माहौल है? देखिए, इस क्राइसिस के माहौल की वजह से ही बाजारों में इतनी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी नजर इसी पर बनाए के रखनी होगी। अगर ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ते हैं तो डेफिनेटली प्राइसिस के ऊपर सपोर्ट आएगा और कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और अगर यहाँ से ईज ऑफ आता हुआ दिखाई दिया तो फिर कीमतें जो है वो लुढ़क भी सकती है। तो अभी फिलहाल सिनेरियो पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इस वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी अभी कंटिन्यूशन में रह सकती है जब तक ये स्थिति नहीं सॉल्व होती। जी,